नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा रूम फ्रेशनर, ना कहेंगे इसको हम बालकनी या टेरेस फ्रेशनर का नाम देंगे हम इसका, क्योंकि अभी तक रूम फ्रेशनर जो है हमने पीछे बताया कि ऐसा पौधा जो मधुमालती का था वो लगाएंगे, रूम में लगाएंगे। लेकिन ये क्या है कि बहुत बड़ी बेल होती है आपके घर आंगन को या छत को, बालकनी को महकाने के लिए। बालकनी फ्रेशनर कहें या छत का फ्रेशनर कहें इसको, या आंगन का फ्रेशनर कहें, तो वो कहना उचित होगा इसके लिए, क्योंकि ये इतने फूल देता है, इतना मतलब पत्ते तो गिनती के रहेंगे इसमें। देखिए छोटी सी बेल है एक थैली के अंदर, और इतना फ्लावरिंग है इसी में, दूसरे में भी इस तरह से देखिए फ्लावरिंग है। ये फ्लावरिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये फ्लावरिंग देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। तो आज ही ये बेल अपने घर में ज़रूर लगा लेंगे आप, ताकि जो है आपका जो आसपास और सारा जो है रूम फ्रेशनर की बजाय आंगन फ्रेशनर का या बालकनी फ्रेशनर का काम करेगा ये आपका पौधा। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसको लगाने का तरीका, क्या हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, कितना बड़ा पॉट लेना चाहिए जिसमें ये अच्छे से पनपे और आपके घर आंगन को पूरा महका के रखे। तो इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को ही खुशबू देगा, ये दिन रात दोनों टाइम जो है खुशबू पूरे टाइम चलती रहती है इसकी। और फूल एक ख़त्म होता है देखिए, और दूसरा ये बडिंग इसकी शुरू हो रही है, तो ये कंटिन्यूस चलने वाला फूल है और बारहमासी है, इसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया इसकी बेल होती है एक क्रीपर टाइप का है, और बड़ा पौधा होता है, तो बड़े पौधे के लिए मतलब बड़ी जगह चाहिए, छोटे से 8 इंची 10 इंची के गमले में इसका काम नहीं चलने वाला होता है। तो हमने लिया है लगभग, ये 16 इंची का गमला है, 16 इंची का मिल्टन का गमला लिया है हमने, और इसमें देखिए होल जो है 8 से 10 mm की होल को रखा है बीच में सेंटर में। होल करने के बाद हमने क्या करना है, एक टिपरी, टिपरी का मतलब ये टेपर होता है, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और कुछ मिट्टी भर के तब लगाएंगे। तो ये तो हुई गमले की बात, अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए। गमला तो बड़ा रहेगा तभी इसमें से लंबी बेल होगी, और जितना बेल इसका बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उतना खुशबू आपके घर आंगन को महकाएगा। जब लोग आएंगे कहेंगे ये क्या है खुशबू, तो इस तरह से खुशबू देता है कि नेचुरल खुशबू की बात ही अलग होती है, जो कि कोई नुकसान नहीं। हम सेंट है केमिकल वाला यूज़ करते हैं या कुछ और डिओडरेंट कुछ यूज़ करते हैं तो उसका तो नुकसान है, लेकिन ये नेचुरल खुशबू है, ये हमारे लिए तो है ही है। साथ में अगर आप जो किचन गार्डनिंग करते हैं या कुछ और उगाते हैं, फल उगाते हैं, तो वहाँ पर जो पॉलिनेटर्स हैं उसको भी बहुत अच्छा अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो हम ये कहेंगे आपको कि जहाँ भी आप किचन गार्डनिंग करें वहाँ पे ज़रूर इसको रखें, इसकी खुशबू जो है पॉलिनेटर्स को, जैसे मधुमक्खी है या तितली है, उसको बड़ा अट्रैक्ट करती है और वो यहाँ पर आते हैं। जब वो इसकी खुशबू के चक्कर में आएंगे तो जैसे घिया तोरी, जैसे पॉलिनेशन के बगैर फल आपके रुकते नहीं हैं, अक्सर शिकायतें रहती हैं, तो वो शिकायतें भी आपकी दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो आइए, इतनी सारी बातें कर दी, आप भी सोचते होंगे नाम तो बताया नहीं है, इसका नाम है स्टार चमेली या स्टार जैस्मिन बोलते हैं इसको, स्टार जैस्मिन बोल दें, क्लाइमेटिक्स नाम भी है इसका, इंग्लिश नेम क्लाइमेटिक्स है, और वैसे इसको स्टार जैस्मिन का नाम दिया जाता है। जैस्मिन की खुशबू आपने देखी है, फूल वैसा ही है, देखिए स्टार जैस्मिन का नाम इन्होंने दिया है इसको, और स्टार जैस्मिन के नाम से ये पौधा मिल जाएगा, या क्लाइमेटिक के नाम से ये पौधा आपको नर्सरियों में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं और लगा सकते हैं अपने घरों में। तो आइए लगाने का तरीका देखते हैं। मिट्टी बिल्कुल इसकी हल्की होनी चाहिए, क्योंकि हल्की मिट्टी आखिर क्यों होनी चाहिए। हल्की मिट्टी में क्या है कि इसके रूट्स ज़्यादा डेवलप करेंगे, रूट्स ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन ज़्यादा, ज़्यादा न्यूट्रिशन मतलब प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, और जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा ये। तो आइए देखते हैं कैसे हम लगाते हैं, और उसके साथ साथ बता दूँ मैं इसको ज़्यादा फूल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये जो है हमारा सीजनल फ्लावर फूड या फ्लावर फूड, इसका इस्तेमाल करते हैं 2 महीने में एक बार, और 2 महीने में एक बार करते हैं, इन बिटवीन हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि ये जो है 6 महीने के अंदर इतनी बेल हो जाए कि आप यकीन ना कर हो सके। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर टिपरी रख दी, अब हम मिट्टी जो है इसके अंदर बड़े आराम से रखेंगे, टिपरी हटे नहीं। आमतौर पर एकदम से अगर हम डालेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी से इधर उधर हो जाएगी टिपरी और गमला जाम हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से भुरभुरी मिट्टी है हमारी मिलाई हुई 6-2 के रेशों में, और उस मिट्टी को हम
इसमें गमले में भर लेते हैं, फिर हम पौधे को निकालेंगे और उसको रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए, हल्का दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करेंगे। नई मिट्टी डालने के बाद हमें देख लेते हैं कि ये पौधा सेट आएगा या नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा और हमें इसको गहरा करना पड़ेगा। अब हम इसको डाल के भी लगा रहे हैं ताकि साथ के साथ जो है रिजल्ट देना शुरू हो जाए। और ये हमने काटा, ये देखिए, इसको हम दो मुट्ठी के अराउंड जो है नीचे डाल देंगे। ये डाल दिया, अब इस थैली को हमने काटना है। इसमें देखेंगे तो रूट बॉन्ड हो रहा है काफ़ी, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए जगह चाहिए। देखिए ये सारा रूट बॉन्ड, इनकी जो रूट्स है वो जाने की जगह नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे खुरपी अंदर से। इससे पहले थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं, अगर तोड़ सकते हैं तो मिट्टी काफ़ी हार्ड है तो इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि इसकी रूट्स को जो है वो सही डेवलप होने का सिस्टम मिल जाएगा। तो ये काफ़ी रूट्स हैं इसके अंदर, देख रहे हैं आप। इसको हम इसमें रखेंगे सीधा, और ये चीज़ें हमने रख दी। अब थोड़ा सा हम फिर से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, ये हमने डाला और इसकी एक लेयर हम और डाल देंगे इसकी, ताकि ये प्लांट हमारा जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर जाएगा। इसके बाद हम इस मिट्टी से ऐसे ढकने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी पौधा लगाइए ऊपर से 1 से 1.5 इंच जगह ही खाली छोड़िए। ये एक यूनिवर्सल है हमारा मापा हुआ कि उतना जगह में जो पानी है, चाहे वो 6 इंची का गमला है, 12 इंची का है, या 20 इंची का है, या 16 इंची का है, जगह उतनी ही सफिशेंट है आपके लिए। तो ये देखिए, हमने 1 से 1.5 इंची जगह जो है इसकी छोड़ दी है और हमने ये लगा दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है आपने, जैसे लगाया, क्योंकि रूट डिस्टर्ब नहीं किया है। इसमें पानी डालेंगे और पहली बारी में पानी जो है, जैसे 16 इंची गमला है तो लगभग 2 लीटर के आसपास पानी इसमें डाल देंगे। और इसको हम रख देंगे धूप में ही, कोई छाया में रखने की ज़रूरत हमें नहीं है इसकी। तो इस तरह से लगा करके और अपने घर आंगन को महका सकते हैं। इस प्लांट का नाम फिर से बता दूँ, इसको स्टार जैस्मिन या क्लाइमेटिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों।